हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से। तो मैं आज जो है डायरेक्ट कपड़े धोने से स्टार्ट कर रही हूँ। तो सारे कपड़े पड़े हुए थे तो मैं इन्हें पहले भिगो लूँगी, उसके बाद जो है इसे वॉश करूँगी और फिर जो है बालकनी में डाल दूँगी सूखने के लिए। और ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए होंगे प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, साथ में बेल बटन जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि कोई भी ब्लॉग एंड वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, और जो भी मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट और प्यार देने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे ब्लॉग में, और पहले जो है अपना कपड़े साफ कर लेते हैं।
तो मैं यहाँ बालकनी में आ गई हूँ कपड़े सुखाने के लिए, और मम्मी की जो साड़ी है मैं उधर से ही डालती हूँ सूखने के लिए, क्योंकि कॉटन की साड़ी है तो काफ़ी जो है फटने का चांस रहता है, तो उस साइड से इसलिए डालती हूँ कि इधर से जो है थोड़ा सा डर लगता है, बच्चे हैं इधर उधर पकड़ के टान देंगे। और बालकनी में जो है अभी गर्मी काफ़ी है तो कपड़े डालने से सूख जाते हैं आराम से, धूप में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और बारिश होती है तो पानी जो है अंदर नहीं आता, और काफ़ी गर्मी है इसीलिए बहुत सुविधा है कपड़े सुखाने की अभी। तो कपड़े तो मैंने डाल दिए, अब मैंने फेस वॉश किया है और थोड़ा सा फ़ैन चलाऊंगी, उसके बाद थोड़ा सा जो है हॉल गंदा है ऊपर का, थोड़ा उसे भी झाड़ू करूंगी, और उसके बाद जो है देखती हूँ आगे क्या क्या शेयर करती हूँ आप लोगों से। तो प्लीज़ वीडियो फुल वॉच करके जाइएगा, और मैं जो है मिलती हूँ आप लोगों से कल वाले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इतना सपोर्ट करने के लिए, बाय बाय।